अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये आप देखें कि मुर्गी और मुर्गा चुग रहे हैं, खा पी रहे हैं। सही सर्दी का मौसम है, अभी धूप निकली हुई है, तो ये अभी इधर चुग रहे हैं। गोल्डन नस्ल के मुर्गी और मुर्गा हैं और इनकी बहुत सारी नस्लें हैं। मुर्गियों की नस्लों के बारे में आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारी नस्लें हैं, वो भी किसी दिन मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगा। अभी वो और भी आ गए हैं मुर्गियाँ, तो ये जो दो मुर्गियाँ सामने आप देख रहे हैं ये देसी नस्ल की हैं। तो ये मुर्गी और मुर्गा जो मैंने बताया था ये गोल्डन नस्ल की है। गोल्डन नस्ल की जो मुर्गी होती है वो जल्दी बच्चे निकालने पे नहीं आती, बल्कि अंडे देती रहती है। तकरीबन 3 महीनों के बाद वो अंडे बस करती है, 3 महीने लगातार अंडे देती है। और जो देसी मुर्गी होती है वो 11 अंडे देती है, 11 अंडे के बाद वो फिर अंडों पे बैठ जाती है और बच्चे निकालती है। और ये अंडों पे नहीं बैठती, ये इसके अंडे दूसरी मुर्गी के नीचे रखने पड़ते हैं। तो अंडों के हिसाब से ये ठीक है और वो बच्चों के हिसाब से वो मुर्गी ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये मुर्गियाँ रखी हुई हैं, हमने मिक्स रखी हुई हैं, गोल्डन भी रखी हुई हैं और देसी मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें 3 मुर्गियाँ देसी हैं और इसमें दो मुर्गियाँ गोल्डन हैं। तो ये उनसे अलग भाग गए हैं, इस साइड पे देखें। ये मुर्गी पानी पी रही है इधर और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी उम्र तकरीबन 1 साल है मुर्गी की, और मुर्गी की उम्र भी 1 साल है। पिछले इन दिनों में ये बच्चे थे, अब ये बड़े मुर्गी हैं। तो हम इनकी बीमारी का भी ख़ास ख्याल करते हैं और दवाई शवाई भी इनको डालते रहते हैं ताकि बीमार ना हो जाएं। सर्दी बहुत है, इनकी मुकम्मल देखभाल करते हैं, जरासीम वगैरह से इनको दूर रखते हैं, इनकी सफाई, कोठी की सफाई इनकी करते हैं। जिधर ये मुर्गियाँ हम बंद करते हैं, जिस खुडी में पिंजरे में, उसकी सफाई करते हैं ताकि बीमारी इनको ना आ जाए। इनकी मुकम्मल हम देखभाल करते हैं और अभी ये बिल्कुल सेहतमंद और ठीक हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको तफसील से पहचान भी करा दी, नस्ल के बारे में बता दिया और इनके बारे में रखने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन भी पूरी दे दी है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है कि अभी मैंने बोल भी दी है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका एक हाथ लगेगा बटन, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो इसके बदले में आप तो और मुझे कोई मजदूरी वीडियो की नहीं दे सकते, तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके सब्सक्राइब से मुझे उसका फ़ायदा पहुँच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।